नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि किस परिस्थिति के अंदर चंद्र कुंडली लग्न कुंडली से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि किस कंडीशन के अंदर, किस परिस्थिति के अंदर आपको चंद्र कुंडली से ही फलादेश करना चाहिए, यानी चंद्र कुंडली से ही विचार करना चाहिए, चंद्र कुंडली से ही एनालाइजिज करना चाहिए, तो वो क्या ऐसी परिस्थिति बनती है, इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि लग्न कुंडली सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लग्न आपका शरीर है, चंद्र आपका मन है। बट मैं ये कभी नहीं कह सक मैंने ये कभी नहीं कहा कि लग्न कुंडली से ही विचार करें, चंद्र कुंडली को ना देखें, या चलित कुंडली को ना देखें, या नवमांश कुंडली को ना देखें। सभी कुंडली का विचार करके तभी आप एग्जैक्ट कुछ भी फलित कर पाएंगे। पर हाँ, लग्न कुंडली सबसे महत्वपूर्ण है। पर कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिसमें चंद्र कुंडली का ज्यादा प्रभाव देखेंगे आप अपने ऊपर, तो वो कौन सी ऐसी परिस्थिति बनती है ये मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, अब एक उदाहरण कुंडली से मैं आपको बताऊंगा। ये जो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, इसमें लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में आप ये समझ पाएंगे कि क्यों चंद्र कुंडली ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये जातक की उदाहरण कुंडली भी है, तो इसमें उदाहरण कुंडली से आप और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो दोनों ही तरह से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखिए, सात लिखा है, तो लग्न कुंडली की हम बात कर रहे हैं, तो लग्न में सात, तो आप समझ गए तुला लग्न की जातकों की ये कुंडली हुई। अब जो लग्न लग्नेश हुए, कुंडली के जो मालिक हुए, शुक्र देव हुए। अब देखिए, शुक्र का अष्टम में भाव बैठ जाना कहीं ना कहीं ये कुंडली को कमजोर जरूर कर देता है। जब भी लग्नेश 6, 8, 12 में बैठ जाए, खासतौर से 8 में, तो कहीं ना कहीं जिंदगी में संघर्ष तो दर्शाता है, और साथ ही साथ शुक्र का बल भी बिल्कुल कम है, बिल्कुल मर्त अवस्था में है। तो आप समझ लीजिए, लग्नेश दोष हुआ है, और लगन और लग्नेश दोनों ही बहुत कमजोर है। अब हम चर्चा कर लेते हैं चंद्र कुंडली का। तो देखिए, अगर लगन और लग्नेश दोनों कमजोर हैं और बाकी के ग्रह भी तृक भाव में है, हालांकि इस कुंडली के अंदर शनि ऊंच का है, बुध और सूर्य के भी अच्छी पोजिशन है, गुरु की भी अच्छी पोजिशन है, दशमेश भी लाभेश से संबंध बना रखा है, वो एक अलग है, पर अगर लगन लग्नेश दोनों ही कमजोर पड़ जाए, तो उस परिस्थिति में आप चंद्र कुंडली का विचार कर सकते हैं, जो कि इस जातक की कुंडली के साथ हुआ। अब आप चंद्र कुंडली में देखेंगे, तो आप चंद्र कुंडली को समझ लीजिए, ज्यादातर लोग आप जान सकते हैं, जानते भी होंगे, तो जहां चंद्रमा होता है वही आपकी चंद्र राशि समझी जाती है, तो उसको आप लगन में बैठा लो। जैसे यहां पे 5 चंद्रमा जिसमें होते हैं, तो चंद्रमा सिंह राशि में हुए, तो 5 को आप लगन में बैठा लीजिए पहले भाव के अंदर, और बाकी की राशि और ग्रह को उसी सिक्वेंस में रखें। तो अगर आप 5 को रखोगे तो 6 यहां पाएगा, देखेंगे इस तरह की कुंडली बन जाएगी। अगर आप 5 को लगन में रखेंगे तो चंद्र कुंडली आपकी इस तरह की बनेगी। अब आप चंद्र कुंडली को अगर देखोगे तो समझ पाओगे कि लगन कुंडली से अच्छी चंद्र कुंडली लग रही है। यहां पे चंद्र कुंडली का आपको इफेक्ट अच्छा मिलेगा, और चंद्र कुंडली से ही आप फलादेश करेंगे। इसके पीछे रीजन ये है, लगन कमजोर, लग्नेश कमजोर, और चंद्र कुंडली के जो स्वामी है चंद्रमा, वो बहुत अच्छी स्थिति में है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों चंद्र कुंडली मैंने देखी, क्योंकि जातक मंगल की अंतरदशा में मेरे पास आया, और उस टाइम उसको बहुत लाभ हो रहा था भूमि को लेके, और वो कह रहा था कि शास्त्री जी, ये मेरे लिए जिंदगी का बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, मैं अपने जो पैसे मेरे पास आ रहे हैं उससे मैं क्या इन्वेस्टमेंट करूं, किस क्षेत्र में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जब मैंने लगन कुंडली देखी तो मैंने देखा कि मंगल तो 12वें भाव में हानि को दर्शाता है, तो देखिए इस कुंडली के अंदर तुला लगन में देखेंगे तो प्रबल मारक बनता है, दूसरे भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, दोनों मारक ग्रह, और बैठे किसमें, तृक भाव में मंगल, तो मंगल ऐसा हो ही नहीं सकता, मंगल की दशा दशा में जातक को फायदा मिले। पर जब मैंने देखा कि लगन कुंडली कमजोर है, लग्नेश भी कमजोर है, और लगन का मान भी कम है, तो मैंने एकदम विचार किया कि मुझे इसकी चंद्र कुंडली देखनी चाहिए। तो देखिए, लगन में पहले भाव में 5, तो राशि स्वामी कौन से हुए, सूर्यदेव। अब जब भी आप समझ लीजिए, सूर्यदेव कुंडली के अंदर मंगल को कितने अच्छे भाव, अगर आप लगन कुंडली में ही अगर आप देखेंगे कि सिंह लगन है, तो आप देखोगे कि मंगल को कितने अच्छे भाव मिले हैं, एक उसको मिला है भाव भाग्य का, और एक उसको मिला है सुख का। तो यहां पे चंद्र कुंडली के अंदर मंगल को 2 भाव इतने अच्छे मिले, एक भाग्य का और एक सुख का, और वो खुद बैठ गए धन स्थान में, तो डेफिनेटली बात है जातक को धन का तो कभी कमी हो गई नहीं। तो देखिए यहां पे 2 भाव इतने जबरदस्त मिले, क्योंकि जहां पे सिंह लगन या कोई सिंह राशि हो जातक की, तो उसके हिसाब से आप देखोगे कि मंगल को बहुत अच्छे भाव मिलते हैं, 2 महत्वपूर्ण भाव,
और मंगल का अगर प्लेसमेंट बहुत अच्छा हुआ तो उस जातक को जिंदगी के अंदर तमाम सुख प्राप्त होता है, धन की कमी नहीं होती, भाग्य और सुख मिलता है। तो यहां पे चंद्र कुंडली के हिसाब से मंगल अत्यंत कारक बन गए। तो इस कुंडली में इस अगर इस तरह की परिस्थिति होती है तो तब आपको चंद्र कुंडली से विचार करना चाहिए। तो दोस्तों मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, धन्यवाद। दूसरा मैं फिर से बताता हूं, पहला विचार आपको लगन कुंडली से ही करना है। मैंने हमेशा सबको बताया कि लगन कुंडली से ही विचार करें। अगर कुंडली के अंदर लगन लग्नेश कमजोर है तो उसी परिस्थिति में आप चंद्र कुंडली जाइएगा, क्योंकि लगन शरीर है, चंद्र आपका मन है, पर प्रभाव दोनों का ही पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।